As I have completed this poem, My Clock, today I am going to make you write some exercise. Today I will solve some exercise. You will note it down without doing any changes. As I have convinced you this poem, My Clock, दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक दिस इज द सेकेंड लेसन ऑफ सेकेंड यूनिट टूडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम रीड एन आंसर पढ़िए और जवाब दीजिए चूज द करेक्ट आंसर जो आंसर सही है उसको क्या करना है चूज करना है चुनना है और उसको क्या करना है टिक करना है This is multiple choice question. In this question, we are getting three or four option, which is correct. You will have to choose among these three. So, a number the speaker's little clock stands. Speakers, speakers यानी कि speaker किसको कहते हैं बोलने वाले को कहते हैं कि ये ये कविता ये जो poem है जिसने बोला है तो ये सवाल पूछा गया है कि द स्पीकर लिटिल क्लॉक स्टैंड का जो छोटे सा घड़ी है वो खड़ा है स्टैंड मिस होता है खड़ा होना तो इस्पीकर बोलने वाला का जो छोटा सा घड़ी है वो किस पे खड़ी वो किस पे खड़ा है नंबर वन ऑन द टेबल टेबल पे वो घड़ी क्या है खड़ा है ऑन द टेबल ऑन द टेबल में से होता है टेबल पर नंबर टू ऑन द शेल्फ शेल्फ में से होता है ताक नंबर थ्री इन द किचन किचन यानी कि रसोई घर में वक्ता का जो छोटा सा घड़ी है वो खड़ा है टेबल पर मेज पर ताक पर या किचन में तो जैसा कि हम लोग इस पोएम में पढ़े हैं कि वो स्पीकर्स का जो लिटिल क्लॉक है वो किस पे खड़ी है वो किस पे खड़ा है मतलब आ, ताक पे अपन द सेल्फ ही लीव्स अपॉन द सेल्फ वो जो घड़ी है वो ताक पर खड़ा है तो ये थर्ड यहां पे थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है सो ठीक द सेकेंड ऑप्शन द स्पीकर लिटिल क्लॉक स्टैंड ऑन द शेल्फ सो राइट हियर ऑन द शेल्फ नंबर बी द फेस एंड द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स दे डू डिफरेंट जॉब्स तो बी नंबर में बोला गया है सवाल पूछा गया है कि द फेस चेहरा और हाथ जो है घड़ी का वो क्या है मुख्तलिफ है एक दूसरे से अलग अलग है क्योंकि दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स वह लोग का आकार क्या है बिल्कुल अलग है नंबर टू में है दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स वह लोग का जो रंग है वो भी क्या है वो बिल्कुल अलग है तीन नंबर में दे डू डिफरेंट जॉब्स वह लोग अलग तरह का क्या करता है काम करता है द फेस एंड दैंड ऑफ द क्लॉक आर डिफरेंट फ्राम इच अदर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इसका आकार अलग है इसका रंग अलग है या फिर वह लोग का काम अलग है तो इस पोएम में हम लोग को क्या मिला है कि एज वी got इन दिस poem, हिज फेस इज़ वेरी वाइट एंड क्लीन हिज़ हैंड्स आर वेरी ब्लैक इसका चेहरा बहुत ही सफ़ेद और साफ है इसके हाथ बहुत ही काले हैं सो विच आंसर इज करेक्ट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इस पोइम में हम लोग को ये मिला है कि वो लोग का ये जो घड़ी है घड़ी का जो चेहरा और हाथ क्या है दोनों का रंग बिल्कुल अलग है उसका चेहरा कौन सा किस कलर का है वाइट कलर का है और उसके हाथ काले रंग के यानी ब्लैक कलर के हैं तो सेकेंड आंसर क्या है करेक्ट है दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स क्योंकि वह लोग एक वह लोग का जो रंग है वो क्या है बिल्कुल अलग है फेस का जो कलर है वो वाइट है और हैंड का जो कलर है वो क्या है ब्लैक वाइट एंड ब्लैक सो सेकेंड टिक द सेकेंड ऑप्शन दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स वैन यू राइट इन योर कॉपी यू विल राइट हेयर दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स नंबर सी वाई आर इट्स हैंड्स ब्लैक क्यों इसके हाथ काले हैं किसके हाथ घड़ी के हाथ क्यों काले हैं नंबर वन बिकॉज दे आर डर्टी क्योंकि वह जो है उनके इसके जो हाथ जो है बहुत ही गंदे हैं सेकेंड नंबर में क्या बिकॉज दे हैव बीन पेंटेड ब्लैक क्योंकि इनके हाथों को काले रंग काला रंगा गया है तो इसका आंसर क्या है वाई आर इट्स हैंड्स ब्लैक उसके हाथ काले इसलिए हैं क्योंकि वो क्या है बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं दे आर डी क्योंकि साबुन की कमी की वजह से वो हाथ क्या है काले हैं बहुत ही गंदे हो गए हैं बिकॉज दे आर डट सो सो द फर्स्ट ऑप्शन नंबर टू पिक द लाइन दैट मीन्स द हैंड्स आर डट बिकॉज दियर इज नो शॉप टू वॉश देम विट पिक द लाइन दैट मीन्स उस लाइन को चुनिए इस पोएम से जिसका मतलब होता है द हैंड्स आर वेरी डर्टी हाथ क्या है काले गंदे हैं बिकॉज दियर इज़ नो शॉप्ट टू वॉश देम विथ क्योंकि उनके पास क्या घड़ी के पास क्या नहीं है साबुन की साबुन नहीं है धोने के लिए ये सेकेंड नंबर का जो आंसर है वो आप लोग अपनी नोट कॉपी में उसको लिख लीजिएगा यहाँ से इस पोएम में जो हम लोग को लाइन क्या करना है पिक करना है तो so यहाँ पे हम लोग को कौन सा लाइन मिल रहा है ही हैज़ नो शॉप टू वॉच देम विथ एंड सफर्स फ्रॉम द लेग कमी की वजह से सो राइट दिस लाइन सो राइट हीयर आप लोग को पोएम की टन लाइन को सेवन जो लाइन दिया गया उसको पिकअप पिक करके लिखना है अपनी नोट कॉपी में ठीक है ही हैज नो सोप टू वॉश देम With and suffers from the leg he has no shop to wash them with, and suffers from the leg. थ्री नंबर मे खास्ट मे खास्ट द मोमेंट्स फेस जल्दी करो जल्दी करो वरना समय बर्बाद हो जाएगा दीज वर्ड्स मीन इस वर्ड्स यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं सब दिए गए हैं उसका मतलब क्या है आ नंबर यू मे हरी और वेस्ट टाइम जल्दी करो या टाइम बर्बाद करो बी नंबर में है हरी बिकॉज टाइम इज़ रनिंग आउट जल्दी करो क्योंकि समय बीता जा रहा है इस वर्ड का मतलब क्या हुआ जल्दी करो या तो फिर समय बर्बाद करो जल्दी करो क्योंकि समय बीता जा रहा है सो बी नंबर इज़ करेक्ट मे खास मे खास द मूमेन्ट वेज दिस वर्ड्स मीन हरी बिकॉज टाइम इज़ रनिंग आउट क्योंकि समय गुजर रहा है बीता जा रहा है सो टिक द बी नंबर नंबर बी थिंक एंड आंसर फोर नंबर वाट वुड हैपन इफ वी टेक अवे द फोर राउंड गोल्डन फीट ऑफ द क्लॉक क्या होगा अगर हम इस घड़ी के चार सुनहरे पैरों को ले लेते हैं अगर आप ले लेते हैं आप लोग हम लोग क्या करते हैं इस घड़ी के चार सुनहरे पैर को ले लेते हैं तो क्या होता है देखिए ये घड़ी कितनी अपसेट है कितनी उदास है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सोचना है उसके बाद लिखना है अगर घड़ी के चारों पैर ले लिए जाए तो घड़ी क्या होगी सीधे खड़ी नहीं हो पाएगी घड़ी गिर जाए घड़ी क्या हो जाएगा गिर जाएगा सो वी विल हैव टू राइट द आंसर राइट द आंसर ऑफ बी नंबर द क्लॉक विल फॉल डाउन घड़ी गिर जाएगा इफ यू टेक Take away the four round golden feet, feet of the clock. the clock will fall down if we take the four round golden feet of the clock number five can you think of some things you can do to save time at home or at school here are some ideas complete the list can you think of some things क्या आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं यू कैन डू टू सेव टाइम जिससे कि आप वक्त को बचा सकें एट होम घर पर और एट स्कूल या तो फिर स्कूल में हियर आर सम आइडियाज़ कम्प्लीट द लिस्ट यहाँ कुछ आइडिया दिए गए आपको इस लिस्ट को क्या करना है कम्प्लीट करना है स्कूल में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग अपना वक्त बचाया जा सके बचा सकते हैं होम यानी कि घर पे क्या ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम लोग अपने वक्त को बचा सकें स्कूल में ए नंबर में है बी ऑन टाइम बी ऑन टाइम फोर मॉर्निंग असेंबली सुबह में जब असेंबली होती है तो उस वक्त क्या करिए टाइम पर रहोइए टाइम पर रहिए उस वक्त बिल्कुल समय पर रहिए असेंबली के वक्त असेंबली असेंबली में टाइम पर आइए नंबर बी में क्या लिखा हुआ है इंटर द क्लास रूम ऑन टाइम आफ्टर द लंच ब्रेक क्लास रूम में घुसना है लंच ब्रेक के बाद समय पर ये नहीं कि अगर लंच के लंच का ब्रेक मिलता है तो लंच की बेल बज गई उसके बाद आप लोग खेल लें इस तरह से नहीं होगा इस तरह से नहीं करना होगा क्योंकि इससे हम लोग अपने टाइम को बचा नहीं सकते हैं होम घर पे क्या क्या कर सकते हैं हेल्प वाटर द प्लांट्स पौधों में पानी डालने में क्या करना करना चाहिए मदद करनी चाहिए फिनिश होमवर्क बिफोर डिनर टाइम रात के खाने से पहले अपने अपना सारा होमवर्क जो जो दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेना है स्कूल में हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम लोग अपना वक्त बचा सकें सी नंबर में हो जाएगा कंप्लीट योर टास्क इमीजिएटली अगर जितना भी टास्क मिला है उसको जल्दी से किया जाए तो उससे क्या हो सकता है हम लोग का आप लोग का वक्त को बचाया जा सकता है वक्त बच सकता है कंप्लीट Complete your homework. स्कूल में टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कंप्लीट योर होमवर्क या कंप्लीट योर टास्क इमिजिएटली जितने भी टास्क मिलते हैं उसको जल्दी जल्दी अगर बनाया जाए तो टाइम बच सकता है सी नंबर में लिखना है यहाँ पे कंप्लीट योर होमवर्क कंप्लीट योर टास्क सॉरी कंप्लीट योर टास्क सी नंबर हो गया डी नंबर में यहाँ लिखना है मेक टू डू लिस्ट एवरी मॉर्निंग D and E number Keep your work your work with at all time. इन होम होम में क्या कर, क्या क्या कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए डू वन थिंग एट टाइम डी नंबर में फिनिश वाट ऑलमोस्ट डन what is almost done e-number keep track of your time do one thing at time घर में अगर हम लोग रहेंगे तो वक्त को कैसे बचा सकते हैं एक चीज़ करना है एक वक्त में फिनिश वाट इज़ ऑलमोस्ट डन उस काम को पूरा करना है जो लगभग हो चुका है कीप ट्रैक ऑफ़ योर टाइम और हमेशा क्या, क्या करना है टाइम के टाइम का पीछा करना है स्कूल में कंप्लीट योर टास्क इमीडिएटली। जितना भी टास्क स्कूल में मिलता है उसको क्या करना है पूरा करना है जल्दी जल्दी मेक टू डू लिस्ट एवरी मॉर्निंग और हर सुबह में एक करने का एक, एक क्या क्या करना है आज उसका लिस्ट तैयार कर लेना है ई नंबर में कीप य वर्क विथ एट ऑल टाइम और हर वक्त में अपना कुछ ना कुछ काम क्या करना है रखना है एक्टिविटी यूजिंग एडजेक्टिव लुक एट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम द डिस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट टू क्वालिटीज ऑफ द फेस हिज फेस इज़ वेरी वाइट एंड क्लीन लुक एट दिस लाइन ये पोएम का एक लाइन है इसको देखिए द डिस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट टू क्वालिटीज ऑफ द फेस इस लाइन में दो खासियत के बारे में कही गई है दो क्वालिटी के बारे में कहा गया है हिज फेस इज़ वेरी वाइट एंड क्लीन उसका चेहरा बहुत सफ़ेद और साफ है इन दिस सेंटेंस वी आर गेटिंग टू एडजेक्ट adjectives as i have told you adjectives an adjective is a word that qualifies noun or pronoun so we got two adjectives in a sentence